After a long time, once again, guys, मैं डॉक्टर सिखान, सीनियर न्यूरोफिजियो कंसल्टेंट. आज हम फिर एक नए टॉपिक पर बात करेंगे. वो टॉपिक कोई नया नहीं है, आप उससे भली भांति जानते हैं और समझते हैं. उस टॉपिक का नाम है स्ट्रोक. कोई नया नहीं है, अगर मैं इसकी हिंदी बताऊंगा तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे. स्ट्रोक यानी पक्षाघात. अभी भी नहीं क्लियर हुआ हो तो पक्षाघात के माने होते हैं फालिस. अगर हम हिंदी में बात करें तो पक्षाघात को कहते हैं फालिस. बहुत लोगों के मन में ये सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर फालिस होता क्या है. तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि स्ट्रोक यानी पक्षाघात या फालिस होता क्या है. तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और पक्षाघात के बारे में चर्चा करें. तो दोस्तों, सवाल है कि पक्षाघात होता क्या है. बहुत ही सिंपल फालिस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं. पक्षाघात जब होता है तब अचानक से मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त की आपूर्ति रुक जाती है. कहने का मीन ये है कि ब्रेन के किसी भी पार्ट में जब ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी या ब्रेन की किसी भी रक्त वाहिनी, यानी जो ब्लड की सप्लाई करती हैं रक्त वाहिनियां, अगर वो फट जाती हैं तो मरीज को पक्षाघात हो जाता है, यानी पैरालिसिस हो जाता है. बहुत ही इजी, अगर ब्रेन के किसी पार्ट में ब्लड की सप्लाई रुक जाए या ब्रेन की कोई भी वेसल्स जो ब्रेन के किसी भी पार्ट को सप्लाई कर रही है वो फट जाए या रप्चर हो जाए तो पेशेंट को पक्षाघात हो जाता है. मस्तिष्क की कोशिकाओं के आसपास की जगह में खून भर जाए या ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए तो पेशेंट्स को पक्षाघात के लक्षण तेजी से नजर आने लगते हैं. तो बहुत ही इजी था दोस्तों कि पक्षाघात यानी स्ट्रोक फालिस होता क्या है. एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर अचानक मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त की आपूर्ति रुक जाए या मस्तिष्क की कोई रक्त वाहिका फट जाए और मस्तिष्क की कोशिकाओं के आसपास की जगह में खून भर जाए तो मरीज को फालिस हो जाता है. मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि स्ट्रोक यानी पक्षाघात फालिस क्या होता है. दोस्तों, अगली वीडियो में मैं पक्षाघात के लक्षण और अगर किसी मरीज को पक्षाघात से बचना है तो वो क्या क्या उपाय पहले से ले, इन तमाम बातों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक मुझे दीजिए इजाजत.